हाजी हाजा कुतब फरी। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دو مرتبہ دروشی پڑھ لو۔ اگر کوئی سرانا ایک قدر دے دیو تو مہربانی ہوئے گی۔ دروشی پڑھیے ذرا۔ الصلاۃ والسلام علی، نہیں پوری رکھو سر، یہ اونچا کرو تھوڑا جا، اتنا زیادہ ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید، پڑھو سارے درود شریف۔ نہیں دل کردا نہ پڑھو، جن دا دل کردا پڑھ لو، سارے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ۔ اج اسی سارے سرکار دی محفل چ حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میزبانہ نے، کمیٹی والیاں نے بہترین خوبصورت اہتمام کیتا ہے۔ تسی سرکار دے غلام بڑی عقیدت نال ذکر پاک سن واسطے تشریف لے آئے ہو، حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہو۔
नामवर नकीब मोहतरम आबद ख्याल साहब तशरीफ फरमान अपने अंदाज दा कलाम दा मुजाहरा अकीदत नाल फरमा चुके हैं। मेरे तो बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सना खान नात शरीफ दा नजराना पेश करन। अजीजम गुलाम अब्बास नूरी साहब हैं इत्थे बैठे जी हाँ, इन्हां नाल मैं वादा किया और अल्लाह पाक ने मैनू भी तौफीक ता फरमाई, मैं भी हाजिर हो गया और इत्थे आके मैनू पता लगा इन्हां दे बच्चे दा फोत होया। मैं उहदे वास्ते भी दुआ करां अल्लाह ताला जिन्ने मेरे बुजुर्गों जैसे बाइयों जैसे बच्चियों जैसे बैठे हो किसी का माँ बाप बहन भाई अजीजो अकार फोत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए, सब दियाँ कबरां मुनव्वर फरमाए, आखरत बेहतर फरमाए, अपनी गुफूरू रहीमी दा सदका माफ फरमाए। और खसूसन गुलाम अब्बास साहब नूरी के बेटे ने अल्लाह ताला जन्नत आला मकाम अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफात नसीब फरमाए। हज़रत क़िबला शाह जी तशरीफ लिया तुहाडे इमाम खतीब इन्हां दे मगर नमाज पढ़ी मगरब की बड़ी सोहनी किरात की, अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे। तो मैं गुजारिश की सी नूरी साहब की खिदमत हूँ, मैं उम्र दो हिस्से चाह मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, एक कोई नखरा नहीं हकीकत है। अद्धी सदी हो गई है तकरीबन 47 साल जिक्र पाक सुना तो हूँ सदा बंदा कोई तो जुमे दे जुमे मैं जवान भी हो ही जाता। बहरहाल जवानी होर होंगी है बुढ़ापा होर होंगे। अल्लाह पाक हजूर का सदका तुहाडा बहना कबूल फरमाए, तुहाडा इंतजाम कबूल फरमाए और अल्लाह पाक सानू सिर्फ तकरीरां दी हद तक या पढ़न दी हद तक या सुनन दी हद तक नहीं, दुआ फरमाओ अल्लाह मेरिया कमियां भी दूर फरमाए, तुहाडियां भी होण, मेरे नाल चंगे लोग बैठे हो दुआ तो करिए ना अल्लाह साडियां कमियां दूर करके कम से कम 5 टाइम की नमाज पढ़िए फराइज़ पूरे करिए, असी हजूर दियां गुलामां वांगू जिंदगी भी बसर करिए। ये मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना, तुसी मेरे वास्ते कर सकदे हो। मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है तो मैं मिलाद शरीफ तुहानू सुनाना चाहना मुख्तसर वक्त अंदर, क्योंकि नाथ खाना का मैं कोई किसी लाख नहीं रखना चाहता, कि मेरे नो चंगे लोग ने जेडे नात पढ़ते मगर नात ही पढ़ने दुआ करया करो फजूल कलाम ना पढ़न, इन्ना साढ़े मसल का नुकसान किया, इंशाल्लाह ये ना करन सोच समझ के पढ़न कर। नात सुनना लिखना पढ़ना इबादत है मगर आप फजूल कलाम जेडे पढ़ तुसी छड़ दे हो मसलक मजहब से इतराज आना एक अच्छी बात नहीं, साडा अकीदा है, बल्कि तुहानू मैं कहांगा को गलत शेर पढ़ लगे मना करया करो, ये नात नहीं, नात का मतलब हुंदा है जिहदे च हजूर की अजमत शान ते मकाम ते इफ्फत दर्जात कमालात मुइजात ते इलम ते इख्तियारात का जिक्र किया जाए, कुछ तगासा पेश किया जाए किसी तरीके नाल एवें ना सुनिया करो। एक दिन कोटली लोहारा में अगले दिन गया उत्थे नाथ का ऐलान होया तो अखा दी किस्मां बयान करन लग पिया, मैं क्या तू आई स्पैशलिस्ट है कि नाथ का है, तो तुहानू भी अर्ज करांगा नाथा सुनिया करो, नाथ खाना बुलाया करो, खिदमत करया करो, सिर्फ नाथ सुनिया करो, मनकबत सुनिया करो, नाथ सुनिया करो और सुनन का भी तरीका जरा ना असं की सुनने पै दूर तवजो रखा करो। वो अजकल क्लिप चढ़ते हैं ख्याल साहब के जवाब मसलक बदनाम होंगे, तुहाडा भी अकीदा हो ही है, मेरा अजे तबलीग बात कर रहा कुछ भी हिट नहीं कर रहा और मैं समझना मेरा हक भी है क्योंकि मैं इस मसलक का अदना जहा एक गुलाम हाँ। अल्लाह नाथ खाना इज्जत अजमत शांत सेहत तक फरमाए। हूँ मैं एक गल छोटी जी तुहाडे नाल करनी है, इस इलाके च मैं कई मरतबा आया तुहाडे चक च पहली मरतबा आया, तुसी समझदे हो सैयद आया है मुहब्बत ना आया है, तो मेरी इज्जत यही है
कि तुसी मेरी तकरीर तवज्जो ना सुनी, गुफ्तगू तवज्जो ना सुनी, मौली साहब तवज्जो की है ना, मेरे अल वेंदिया रहना, बंदे आंदे जांदे ने ओहदे अल नहीं वेखना, मेरे अल वेखना है, वो कुछ सुन आए हो तो तवज्जो नाल सुन लेना, समझाई है ना, गल्लां छल्लां नहीं करनिया, फोन नहीं सुनने, मेहरबानी कर। जिहड़ी मैं आया मुबारक तलावत की हुण मैं तकरीर शुरू कर लगा, पहला लफज है इन्ना मा, और मैं बयान भी इन्ना को करना है, सारी ऐत मैं बयान नहीं कर सकनी, फिर वो टाइम काफ़ी लगना है, तो मैं लाना नहीं चाहता, सिर्फ इन्ना मा ते मैं तुहानू बस गुजारिश करना चाहना, मिला शीदे वाले नाल ते अकीदे दीआं गल्लां करना विच मैं जरूरी समझना, मेरी तकरीर तुहानू कोई नहीं मिलेगी ऐसी जिहदे विच मैं अपने अकीदे की वज़ाहत ना कीती होवे। इस वास्ते ये नाल नाल ज़हन हाज़र रखना, और जिहड़ी तवज्जो की जरूरत है यही है कि कुरान च अल्लाह की फरमाया, अल्लाह फरमाता इन्ना मात। मेरे बुजुर्गो अजीजों भाइयों, तकरीर शुरू हो गई, हुण तवज्जो मेरे हथ कर, इन्ना खर्च किया जे तो कोई सुनो तो सही ना, इन्ना मा हसर है, तकरीर शुरू हो गई है, हिसार है, मेरे लेखो ए गोल दायरा हिसार, पंजाबी च कह लो ते नाका, अजे पुलिस आले फौज आले नाका नहीं लांदे, ये हजूर दे बूहे अगे नाका लगा है, हजूर दे दर दी शान है, इन्ना मा, इन्ना मा हसरे शाह जी, नहीं समझ आई तो थोड़ी मिसाल दे देना, औलिया अल्लाह, बोलो कौन, जान साह नाल बोलो, आखो औलिया अल्लाह, बोलो गोडे थले करो, सुस्ती आ जाती है, फिर बोलो औलिया, कुछ अमल ऐसे भी कर दें, कुछ वजीफे ऐसे भी करते हैं, मैं नहीं किया कभी, मैं अल्लाह का वली नहीं, मैं औली अल्लाह का अकीदतमंद हाँ, आंदे मैनू भी लोग पीरे तरीकत ने, मैं पीरे तरीकत नहीं, मैं औली अल्लाह के अकीदत रखने वाला बंदा वा, सुनो वो कुछ अमल ऐसे भी पढ़ते हैं, कुछ वजीफे ऐसे भी पढ़ते हैं, पढ़न तो पहला सोटी लैके पेंसिल लै पे अपनी उंगल ना, ना जिथे बहते ने, मेरा वेखो वो गोल जी लीक वा लेते हैं, लीक ही आने तुम दायरा गोल या कड़ा चक्कर उदे विच बह के करते हैं, उदा मतलब ये है किताबा च लिखिया है कि जिन्ना चिर बह के पढ़ते रहते हैं, कोई जिन, हालांकि जिन बड़ी ताकतवर शायर है, कोई जिन परी भूत वो लीक दायरा क्रास नहीं करता, जिन हाथ रखना क्रास नहीं करता, एक अल्लाह दे वली नू, अल्लाह ने अपने वली नू एक ताकत दिती है कि जिवें बंदे पिंड च अल्लाह माफी देवे लड़ पैंदे ने ते लीक वांदे ने, आंदे ने तू लीक टप के विखा, हुण समझ आ गई जे, अल्लाह दा वली लीक मारे ना ते कोई जिन ते परी भूत भी वो लीक वो निशान क्रास नहीं कर सकता, कि जिथे रब ने नाका लाया होवे, इन्ना मा हसरे मतलब वे हजूर दे बूहे दी ते कर दिए शान है, कोई पलीत हजूर दा बूहा लंघ ही नहीं सकता, ध्यान रखना बस, कोई पलीत अगे होके बैठ जा, कोई पलीत है गल याद रखा, जे मैं कोलो नहीं आंदा पिया, उसकी वजह मैं एक मसला भी इतने गलत किया ना, तुसा एक बंदे मन लिया वो लित्र कवर च मैं खाने ने, मैं अक्सर लोगों को कहना हूँ भी अज तबलीक जिमें अर्ज की है तो नाथ खान की खिदमत अर्ज की है, मतलब सिरा मेरा यही होंगे एक लफज बयान कर दईए वो होए गलत, एक बंदा मन लवे गल इंजी है तो लित्र तो उन्होंने पैने ने जिन्हें बयान करनी है, ये तो सानू शर्म ते हयात गैरत होनी चाहिए है, कबर याद रखनी चाहिए कि असी वाह वाह सुन वास्ते आंदे की हाँ, पै इन्हें पैसों वास्ते आंदे की हाँ, पै उहदा खुलासा यह होंगे ना, अपना तीला रहन देंदे ने ना उन्हें तुहाडा तीला छड्डना होंगे, इस वास्ते बेटा मेरे बुजुर्गो ए वेखो ना, मैं दुआ करना हुंदा या अल्लाह मैं तकरीर उन्ना चिर ही करा जिन्ना चिर मेरे मूँह सच्ची गल निकलनी है, ये सच्ची गल ना निकले तो मेरे अल्लाह मैं तकरीर करने की तौफीक ना दे, मैं एक मसला गलत करा, एक बंदा उत्ते अमल करके जिंदगी गुजारे
मैं तो अगे गुनाहगार हाँ मैं कितों बोझ चुकागा। हाँ ला इलमी च मेरे अल्लाह मैं कर देवा तो मैं माफ कर छे। तक मैक ते होना कोई एडा मुश्किल नहीं, एडा सौखा काम नहीं है। हर बंदा मैक फड़ लैंदा है ते जो दिल आंदा आखी जांदा है। जेड़ा ड्राइवर ना होवे उहनूं स्टीयरिंग ते नहीं पैणा चाहीदा। ये मैं बड़े अदब नाल अर्ज़ करना इस दौर के मुताबिक। ख्याल साहब गलत तो नहीं कह रहा, शर्म आनी चाहिए। मैं की आना पिया जे आवाम नूं नहीं पता लगा तीन तुक्के तो पुछ मार लै मैं की बयान करन लगा। इस वास्ते तवज्जो नाल सुनना, इन्ना मा हसरे, कोई पलीत हजूर दा दरवाजा क्रॉस नहीं कर सकता। कोई पलीत हजूर दा दरवाजा क्रॉस नहीं करता, यह आम दरवाजा नहीं, ये नबियां दे सरदार ते नबियां दे नबी ते रब दे महबूब दा दरवाजा है। खुदा दी खुदाई दे बादशाह दा दरवाजा है। इन्ना मा हसरे, किसे ग्रामर पढ़ने वाले मौलवी गैर मौलवी को पुछ लो, मेरे गल की तरदीद नहीं कर सकेगा। उन्हें मनना पैना इन्ना मा सरे। हुण इत्थे गौर ना गल सुनो जिहड़ी मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश कर रहा हाँ। मेरे बुजुर्गो अज़ीज़ो, जिहड़ा किस हज़रत वजो जिहड़ा किसे पलीत नूं बूआ नहीं लंघण देंदा, वह किसे पलीत नूं महबूब दे नेड़े आउण देंदा। सेन च आ गई गल। अच्छा एक होर गल मेरे दिन च आ गई हुणी, तो मैं तुहाडे अर्ज करना, तो रिजल्ट अजे नहीं मैं दिता तुहानूं, अजे मुख्तसर जिहा इशारा कीता। ज़हन हाज़र रखना, बस ज़हन हाज़र रखना। मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक, गोरा काला अरबी अजमी, शरत ये वे कि वह अल्लाह की तौहीद ते ईमान होवे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ते रसालत ते ईमान होवे, उहदे कोई भी नजरियात ने। हजरात मैं की कह रहा, अहले सुन्नत व जमात तो अलावा उहदा कोई भी फिरका ते गरोह है, उहनू किसे मुसलमान नूं पुछ लो, उहने तुसां भी मन जाणा है। किसे नूं पुछ लो मिलाद मनांदा या नहीं मनांदा, दरबारां ते जांदा या नहीं जांदा, अठ पढ़दा या वीह पढ़दा, इस गल्ल नूं छड्डो। सिर्फ इन्ना मैं एज़ ए तबलीग सवाल करना पिया, उन्हूं पुछो कि यह छोटी जी गंदी मक्खी, यह छोटी जी गंदी मक्खी हजूर दे जिसम ते बैठी है। उच्ची ना पुत्र बोलिया जे सवाब हो जाएगा तुहानूं। एक गंदी मक्खी छोटी जी, मेरा बच्चा मेरा भाई मेरा अजीज, बादब होके सुनो ते समझो। इन्ना सफर करीदा सिर्फ तुहानूं कुछ सुनाने वास्ते, और ये गल्ला ज़हन च रख्या करो। अपने दोस्तों नूं एक दूर भी भावें समझा सकोगे तुहानूं तो सवाब होएगा। मैं फिर रिपीट कर लगा, गंदी मक्खी गोए ते बहण वाली, गंद ते बहण वाली, वहणियां ते बहण वाली, क्या ये मक्खी गंदी हजूर दे जिसम ते बैठी है? तुसीं हजूर दी इज्जत वास्ते भी नहीं बोल सकते। मैं ही बार बार आखना, बोलो जिहड़े बैठे हो, क्या ये बैठी है? उस मक्खी नूं किन्ने डक्या कि इत्थे नहीं बहना। हुण भी किसे नूं समझ ना आया, तो वक्त मैं कदी गालां नहीं कढ़ियां, फतवे नहीं लाए, ना मैं किसी कुछ आख्या। मैं सिर्फ बयान करना ना, को मन या ना मन। मैं कभी पूरी जिंदगी 47-48 साल के गाल कड़ी तबलीग करना या इबादत करना। हाँ समझना है, किसी मौलवी साहब पूछ लो मेरे ना तसली चंगी देवे, वो मान लो मेरी ना छो ना मनो, तसली ना ना देवे तो किसी वेख के अकीदा गलत ना कर ली, कबर च कल्या होना जी। इस मक्खी नूं किन्ने आख्या इत्थे नहीं बहना अल्लाह ने, ते जिहड़ा एडी छोटी जी मक्खी नहीं बहन दिंदा, जिहड़ा किसे पलीत नूं दरवाजा नहीं लंघन दिंदा, वह किसे पलीत बंदे नूं या बीबी नूं अपने महबूब दे नेड़े आउण दिंदा। जी ते बोझ ते बोझ पाया करो, यहां तक कि मैनूं कदे ना इन्ना मासर नहीं, मैनू को कदे ना मक्खी बैठी हो तो मैं 95 सी लवावा, एडा होड़ा तो मैं भी नहीं। जिस जिले च भी होव जाके उदो उठना करा लैना,
ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਮੱਖੀ ਮਾਦੱਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇੰਨਾ ਮਾਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ, ਇਨਕਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆਖਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਤਨ 'ਚ ਰਸੂਲ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰਸੂਲ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਰਸੂਲ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸੂਲ ਏ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾ ਤਹਕੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਣ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸ ਕੇ ਸੁਭਾਣ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਸੁਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਜੋਂ ਵਿੰਘ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਹਸਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਹਸਰ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਮਾਦ ਅੱਲਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਇੰਨਾ ਮਹਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਪਾਕ ਤੱਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪਾਕ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਕ ਰਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਆਖਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਤਨ 'ਚ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸਬਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਬਦਰਜੇ ਊਲਾ ਹਰ ਪਲੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕੇ, ਸੁਣੋ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਮਕਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਜਸ਼ਨੇ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਪੁਰਨੂਰ ਕੀ ਆਮਦ, ਆਕਾ ਕੀ ਆਮਦ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੁਣੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਲ ਕੌਮੀ ਮੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਏ ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਿਛੋਂ ਕੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਲਣ ਫਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਤੇ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਏਗਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਮੈਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
मोबाइल बाद फोटो बना लेना मेहरबानी तुहाडी बैर बिठा दो बच्चे नूं अक्सर महफलां फिर खराब हो जांदियां ने हजूर का जिक्र सुनो तबलीक सुनो ये बाद बना लेना तुहाडी मेहरबानी समझ आ गई जे हराम दे पैसों के हज करिए तो कबूल कदे नहीं होए हराम दे पैसों के मैं हज करा उमरे करा कुरबानी देव तो कबूल नहीं होनी वो पाक ते पाकां नूं पसंद करदा है मन जो तां भी सच्ची गल है ना मनो तां भी यही है तो जो करो मैं तो समझ नहीं आई लिया कोई दुनिया ते बच्चा एक बच्चे का नाम लवो जेड़ा पैदा होया सी तो उन्हें गुस्सा की जरूरत नहीं सी मूह पाड़ के कह देना वही दी फर्क है वही दा फर्क है तेरी जालत है नबी वहीं नाल तवज्जो रखो नबी वहीं नाल नहीं बनते नबियां ते वही आंदी है वही दा उन्हां नबूवत दी दलील नहीं हुंदा वही ते मरियम अलैहि सलाम ते भी आई है ना वो नबी ने रसूल ने नबी वहीं नाल नहीं बनता वही दा कसद दा हो मीसा कन नबी यीन नबी आल में रवात भी नबी हुंदा है नबी मां दे बतन च भी नबी हुंदा है ये मेरे अल्लाह की मर्जी है भावें पंगूड़े चो ऐलान करवाए तो भावें चालीस साल तो भावें ऐलान करवाए उच्चा बोलो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह क्या बात तवज्जो है मेरे वाल वहीं नाल नबी नहीं बनते ये वहीं नाल बनता है कि कोई बच्चा विखाओ ना जिन्हें पैदा होंदिया सार रब की हमद बयान की हो सजदा किया हो हाथ चुक के उम्मत वास्ते दुआ की हो जी तेरे तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिने काम किए किताबां पन्ना किताबां ने ना मन वास्ते मेरे कोई दलील नहीं तेरे तो मेरे आका इमाम अलंबिया सईद अलंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम ओ मिलाद मनाने वाले मिलाद सुन वाले सुनो मिलाद तेरे तो मेरे आका सरकार सुने दी वलादत बादशादत हुई सैयदा पाक तेरे मेरे आका दी सैयदा वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमना फरमांदियां ने जदों मेरे बच्चे की वलादत हुई बच्चे रोंदे ने मेरा लाल रोया नहीं क्या बात क्या बात है वही कम कर दे इन बंद कर छोड़ो तुहाडी बड़ी मेहरबानी डिस्टर्ब ना करना बुरे लगते हैं बंदे जो हज़ूर दे ज़िक्र तो नहीं करते मैसे वास्ते पिंडा छिंडा जे बच्चे ने बड़े प्यार नाल मैं अक्सर नहीं आता कि अजकल दस्से नमैश बने ने अकीदत रही कोई नहीं अपने आरे लगे होंगे मेहरबानी करो थोड़ा चिर मेरे जे बंदे बर्दाश्त कर लो गुनाह सद्या जे सैयदा आमना पाक फरमा दियां ने बच्चे रोंदे ने बल्कि डाक्टर पुछो डाक्टर आंदे ने बच्चे रवाओ वरना सांस की प्रॉब्लम होएगी उन्हें डब्बे च रखना पाएगा मिलाद मनाने वाले तेरे तो मेरे आका इमाम अलंबिया सैयद अलंबिया नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए नहीं मुहद्दिसीन फरमांदे ने रोंदा क्यों इत्थे रोण वालिया नू चुप कराउण वाला आ गया है क्या बात ये बेसहारियां दा सहारा आ गया है इत गरीबां दा गरीबां ते मस्कीनां दा मल जाओ मावा आ गया है रोए नहीं बच्चा पैदा होंदा है तवज्जो रखा जे तवज्जो मिलाद की महफल सजाई जे इनी मेहनत की जे बच्चा पैदा उन्हें गुस्सा की जरूरत होंदी है मेरे नबी पाक नूं गुस्सा की जरूरत नहीं तैयब ताहिर पाक की लफ्ज़ बोलना पिया मैं तैयब ताहिर पाक अलैस तक नहीं पलीती दी उते मक्खी भी नहीं बैण देंदा उत्ते मक्खी भी नहीं बैन देता तैयब ताहिर हम मेरे लिखो ए धुनी असं कहने ये खुराक की नाली होंगी हर एक का निशान है मैनू भी तुहानू भी ये कटिया जाता है फिर चंद दिन जख्म बहुत ठीक हुंदा है इवें ही है जाओ दुनिया नू पुछो हजूर दा ये नाड़ू ये धुनी है सी कि नहीं इत्थे बास नहीं मैं करनी इत्थे बास नहीं मैं करनी ये मकाम
मैं भी सही नहीं बयान कर सकना तो तुहानू समझ बिल्कुल ही नहीं आनी। मैं तुहानू चेक कर लिया तुसी की हो, ये तो खुराक दी नाली है, ये नकारी हो जाए, मिला सुनो, ये नकारी हो जाए, ये सुक जाए, ये काम ना करे, बच्चे नू खुराक मां दे बतन च नहीं मिल सकती, बच्चा जिंदा पैदा नहीं हो सकता। मैं जो पढ़ना कही डॉक्टर को पूछना जी इंज हो गया जी जल्दी जल्दी मां का ऑपरेशन करी दे वरना कि बच्चा मर गया मां के बच्चन इन खुराक नहीं मिली मां भी लै जाएगा जे मां बचाना जी ऑपरेशन कर दो हजूर का नाड़ू है ही नहीं दस फिर हजूर की खुराक की सी जी खुराक भी पा के कि पाक होगा तवज्जो रखो बस तवज्जो रखो जिदी खुराक भी पा के ओ किन्ना कु पाक होवेगा जे बहस कीती ओ ईमान जाया कर लेगा ए मकाम कायनात दे इल्म तो बाहर है सरे तो बाहर है सोच तो बाहर है परवान तो बाहर है तखय्युल तो बाहर है तसव्वुर तो बाहर है लोगो एक है बशरियत ए मुस्तफा एक है नूरानियत ए मुस्तफा एक है हकीकत ए मुस्तफा अपनी औकात च रहो एदियां हद्दां ते हकीकत नूं ते सिदरा वाला नहीं जानदा हुजरे वाला की बयान करेगा आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं इनू ते सिदरा वाला नहीं जानदा बस इन्हें रखिया कदो बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर दास्तान हुसन जब फैली तो ला महदूद थी और जब सिमटी तो रसूले पाक होकर रह गई मेरे आला हज़रत अज़ीमन बरकत मुझे दे दे दीनो मिल्लत इमाम मौलाना शाम दरजा ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह बिला मुबालगा समझदार पढ़े लिखे लोग तस्लीम करन गए ये जने ने कलम चुकन दा हक दा कर छड़िया मगर जो वारी आई हजूर दी नाद दी हजूर दी अजमत ते शान ते मकाम तरीफ ए बच्चे नू कोई पीछा करन वाला नहीं क्यों नमैश बनांदे हो मेरे आला हज़रत अज़ीमन बरकत मुझे दे दे दीनो मिल्लत इमाम मौलाना अशाम दर्जा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कलम रख के रो पे ये भी मुतालिया कर दे मेरे रो पे ते सुने जिन्ना मैनू पता है मैं लिख दिता है सरवर कहूं क्या बात क्या बात सरवर कहूं लफ्ज़ां नूं समझो सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं सर्वर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे मैं सुनर सुभान अल्लाह जे कुछ समझ आए इस गल नाद कहां ते फीस वीर अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं तो मैं तो जोक ले ही रहा सर्वर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे मैं क्या कहना क्या कहना सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले जेबा कहूं सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसाला शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे मैं
वाह बरेली दिया ताजदारा सुनो आखर रजा ने खत्म सुखुल इस पे कर दिया खालिक का बंदा ऐ तू ईद खालिक का बंदा खलक का खालिक का बंदा खलक का मैं खालिक का बंदा खलक का आका आका कहूं तुझे जेड़ा पैदा होवे ते गुसल दी लोड़ ना होवे जिदी ये तुन्नी कोई ना होवे तू है ऐने नूर ऐने नूर ऐने नूर ले आ कोई अजिहा बशर जेड़ा पैदा हुंदे आ सार तीन कम करे पहला रब दी हमद बयान करे अलहम्दुलिल्लाह कबीरा रवायतां दो तीन में मुख्तसर विचों बयान कर दिती है फिर की है फिर सजदा करे सुभान अल्लाह ना आखिया जे पहला रब दी हमद बयान करे फिर सजदा करे ओ मिलाद मनाण वाले हो फिर हाथ चुक के उम्मत वास्ते दुआ करे क्या बात आला हजरत कोई थां छड्डी नहीं सुनो पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरू पहले सजदे पे रोजे अजल से दरूद मिलाद मनाने वाले खुश नसीब उमरियल वेखो यादगारी ये उम्मत पहला खुसलाम तीन बारी पढ़ लो दूते मुतियो यादगारी ये उम्मत पहला यादगारी ये उम्मत पहला अच्छा नहीं दिल का ना पढ़ जरा पढ़ दे वो पढ़ लो एक अद्धा जरा पढ़ दे पे यादगारी ये उम्मत ओ न्या कोई ऐसा बशर मक्खी नहीं बैठ देंदा खुदा दी खुदाई अंदर सुनो बशरियत दा इनकार नहीं बशरियत दा इनकार भी कुफर है तवज्जो ना सुनो वो एक बाल मुड़दा है दूजा गया जांदा तू की शाय हो पिछों के बह जा महफल तक भी होंगी है मेरा ख्याल थानू मेरे जब बंदा नहीं थानू लबा मैं जरा मेहरबानी थोड़ी थोड़े पिंड आया थोड़ा चिर बर्दाश्त कर लो जो मर्जी करे जाए तवज्जो है मेरे अंदर असी बशीयत का इनकार नहीं
पर शीयत का इनकार कुफर है। असि कदों ने हजूर बशर नहीं, मगर कहने हजूर इंज दे बशर ने, इंज दे बशर ने, खुदा की खुदाई च यह जहा बशर भी कोई नहीं। वखाओ ना को ऐसा बशर जिदा चेहरा बदुआदा हो, जुल्फा वलैल दिया होन, माजागल बसर दे डोरे होन, अलम नशरा दा सीना होवे। लियाओ ना को बशर एहो जिहा जिदी उंगलों चो पानी निकले, दरखत टोर के आउण, डुबे वापस आउण, पत्थर बोलण, जिदा एक मौजदा तेरी समझ नहीं आ सकता। सुनो मैं की कहन लगा, ओदी जात ते बहस ना करया करो। एक मौजदा तू समझ सकता, जे तू अकल को कम लवे, इलम को कम लवे, तो तेन तो समझ ही नहीं आनी। इसे वास्ते रब ने कित कद फरमाया, कित लकद फरमाया, मतलब है समझ आए तो भी मनो, ना समझ आए तो मनो। जरूरी नहीं हर गल तुहाडे इलम के मुताबिक होवे, कित सैयद उल मलाइका नहीं पता लगता, तेनू मैनू हुजरे वाले नू की पता लगना है। समझ आए तो भी मनो, ना समझ आए तो भी मनो। क्यों? ये मकाम ऐसा है, कुरान पढ़ के वेख लो, हदीस पढ़ के वेख लो, अनाती कब ही कबला अई यार तद्दा ले कतार फोक अक्षम उन तो पहला धारा मिला तो तफ तख्त आया है। अकल नहीं मननी, मनना पैना है। फतह बसम ता हिकन मिन कौले हा, तिना मिला तो कीड़ी बोली है, नबी समझी है, बोली है, हैं जी, समझ नहीं आती। ओए मनना पैना है, कान दा गोश्त मारी है, मुर्दा उठ के दसे मैनू किन्ने मारे है, समझ आती नहीं, पर मनना पैना है। उंगलों चो पानी निकले है, समझ नहीं आती, मनना पैना है। दरखत टुर के आए ने, समझ नहीं आती, मनना पैना है। पत्थर बोले ने, समझ नहीं आती, मनना पैना है। एक दो बंदे दा खाना सैकड़े खा गए ने, ना रोटी कटी ना बोटी कटी, समझ नहीं आती, मनना पैना है। एक प्याला दुध सत्रह नू रुझा गया, समझ नहीं आती, मनना पैना है। इक्की खजूर कई मन वेचिया फिर इक्की ने, समझ नहीं आती, मनना पैना है। बोल पूरा करदा लै गया, समझ नहीं आती, मनना पैना है। कुंडी हिलदी रहे, पानी चलता रहे, बिस्तरा गर्म रहे, जाए भी ते आए भी, समझ नहीं आती, मनना पैना। हजूर पाक पैदा हुए ने, समझ नहीं आती, मनना पैना है। नाड़ू है ही कोई नहीं, समझ नहीं आती, मनना पैना। बशर हो के दरवाजा खोले, चेहरा चमके, मस्जिद नूर हो जाती है, समझ नहीं आती। क्या बात, नारा तकबीर, नारा रिशाल, उठाओ दोनों हाथ मिलके, नारा रिशाल, नारा रिशाल, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, मौजदात मुस्तफा। है कोई ऐसा बशर जेड़ा उजरे शरीफ का दरवाजा खोले ते चेहरे की चमक नाल मस्जिद रोशन हो जाए? दिल कर दे सुबाना लगे दे रहा करो। है कोई ऐसा बशर जिदे चेहरे की चमक नाल दीवारा चमकन जिवें शीशे चमकते हैं? है कोई ऐसा बशर जिहड़ा सोटी नूं हथ लाए ते चमकन लग पाए? है कोई ऐसा बशर कि सुफियान सोरी दे बाप दे चेहरे ते हथ फेरे ते काला सिया चेहरा चमकन लग पाए? है कोई ऐसा बशर? ओए एक वाकया छोटे जिहे दा इशारा करना चाहना, सीरत दीआं किताबां पढ़न वाले समझ जाणगे, तुहानूं मैं समझाउण दी कोशिश करांगा। सरकार दी उम्र तकरीबन 25 साल मुबारक, किन्ने साल मुबारक? एक करी बोलो फिर, किन्ने साल? आप ऐसे ताजर जो गए ने, हजरत अमीना ताहिरा, हजरत खतीजा।